गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका विषय लेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन हम पहले भी कर चुके हैं, सेमेस्टर वन में भी हमने बहुत सारे पत्र किए हैं और अनौपचारिक पत्र ही थे, और इस बार भी आपके टर्म में अनौपचारिक पत्र ही है। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र, पहले हम पत्र लेखन करने से पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी हेड को लिखते हैं, किसी संस्था को लिखते हैं, किसी सरकारी इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, किसी संस्थान को, किसी सरकारी संस्थान को, किसी प्रवक्ता को या किसी प्रमुख को लिखने वाले जो लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक। अब आप बड़े हो रहे हैं तो स्पेलिंग भी उस हिसाब से याद रखें, औपचारिक फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में है अनौपचारिक। नहीं, अनौपचारिक था। अनौपचारिक अनफॉर्मल वो लेटर जो हम किसी सगे संबंधी या अपने नहीं बेटा चलिए अनौपचारिक एक तरह से ये विलोम भी याद रखिए, स्पेलिंग के साथ साथ जब हम हिंदी पढ़ते या सीखते हैं हम ना केवल वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें भी सीखते हैं। अनौपचारिक के स्पेलिंग अनौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक, ये विलोम भी याद रखिए, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। तो ये कौन से लेटर्स हैं, वो लेटर्स जो हम अपने सगे संबंधी भाई बहने बहनों को या मित्रों को सहेलियों को लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक अनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है अनौपचारिक पत्र, मींस सगे संबंधियों मित्रों भाइयों बहनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, बहनों सहेलियों को लिखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है जी। तो आपके सिलेबस में लेटर है भाई को अपने जन्मदिन, भाई मतलब चचेरे ममेरे भाई को, ठीक है, अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखें, और दूसरा है चचेरे या ममेरे भाई को अपनी बहन या भाई की शादी के लिए बुलाने के लिए पत्र लिखें। दस्तर कहाँ गया बेटा, वो पकड़ाना जरा, मैं गई तो चलिए जी, अपने चचेरे भाई को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र सबने रफ कॉपीज निकाल ली है, पत्र हम पहले कर चुके हैं, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जल्दी हरी आप लिखिए, लिखिए साथ में, हम पहले भी कर चुके हैं, हम सबको पत्र लिखना आता है, लिखिए पहले आप लिखेंगे उसके बाद मैं लिखूंगी कि क्या होगा। जल्दी से सबसे ऊपर हेडिंग, और याद रखिए कि जब भी आप लेटर लिखते हैं आप सब कुछ किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड, कोई भी चीज आपकी राइट हैंड साइड नहीं जाएगी, एक ही सीक्वेंस में होता है, दैट इज लेफ्ट साइड, सारी चीजें लेफ्ट साइड से शुरू करके, और छोटे बच्चे नहीं हो, कोई एक लाइन भी किसी में नहीं
छोड़नी है। ठीक है जी, तो शुरुआत कहां से करते हैं हम? परीक्षा भवन। परीक्षा के स्पेलिंग देखिए, र को बड़ी ई, परीक्षा भवन। जहां आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं वहां आपके नंबर कट जाते हैं। परीक्षा, उसके बाद बिल्कुल ठीक, जालंधर शहर। जालंधर नहीं होता, हिंदी में होता है जालंधर, जालंधर होता है पंजाबी में। ठीक है जी, ज को आ की मात्रा। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, जालंधर लिख देते हैं जल्दी में, जालंधर नहीं लिखना है, जालंधर, जालंधर शहर। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? दिनांक। वेरी गुड। दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं पड़ता है, इस बात को हमेशा याद रखें। दिनांक एक नंबर का होता है आपके पेपर में पूरा। अगर 8 नंबर की लेटर है तो एक नंबर केवल दिनांक का आपको मिलता है, उसमें भी अगर आप चंद्र बिंदु डाल देते हैं तो एक का जीरो हो जाता है, क्योंकि सिर्फ दिनांक ही आपको लिखना है। एक वर्ड का एक नंबर होता है, और आप उसमें भी क्या करते हैं, दिनांक में बिंदी की जगह क्या डालते हैं? चंद्र बिंदु, और ये गलत हो जाता है। दिनांक हमेशा याद रखिए, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु। अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर आप 8 फरवरी लिखते हैं तब भी ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। पर याद रखें कि ये जो स्पेलिंग है वो गलत ना लिखें। अगर स्पेलिंग को आपको लगता है कि आप श्योर नहीं है तो ऐसे लिखें, ताकि गलती ना हो, एक नंबर आपका पूरा आए। आप इस तरह लिखेंगे, इसके स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो दिनांक में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सिंपल डेट डालें, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और दिनांक में हमने, बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, चंद्र बिंदु नहीं लगता है। ये एक नंबर होता है पूरा इसका, इसके होते हैं 3 नंबर, इसका होता है 1, 4 नंबर इसी चीज के होते हैं, और बीच वाले कंटेंट के 3 नंबर, ठीक, और लास्ट वाले के 2 या 1, आपका आज्ञाकारी या जा आप पत्र लिखने वाला। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में हम क्या क्या गलती करते हैं। अब चूंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट है तो हमेशा याद रखें, इसमें तो सिर्फ 2 चीजें ही लिखनी है, नंबर पूरे लेने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, परीक्षा भवन, जालंधर शहर, या कॉमा, या डंडियन। इसको याद रखें, पूरे 2, 2.5, 3 जितने भी ऊपर वाले नंबर होते हैं पूरे मिलेंगे। दिनांक में चंद्र बिंदु ना डालें, बिंदु डालें, और इस तरह डेट डालें, एक नंबर पूरा मिलेगा। नंबर लेने आसान है, हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। ठीक है ना, गलतियां करने की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। लैंग्वेज में पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आप बिल्कुल ढंग से और शुद्ध लैंग्वेज लिखते हैं। हमेशा ही याद रखिए, सबसे स्कोरिंग क्या होता है? लेटर। लेटर में आपको आपका बीच वाला कंटेंट अगर आप लिखते हो वो 2 या 3 नंबर का होता है। अगर वो थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो उसमें से आधा एक नंबर कटेगा, एक मिल जाएगा। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन, दिनांक और सबसे नीचे वाला पोर्शन करेक्ट लिखते हैं तो 8 में से 5 या 6 नंबर आपको वैसे ही मिलते हैं, राइट? चलिए जी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रिय भाई, प्रिय भाई, ठीक है, या प्रिय बहन। अगर आपने ऊपर बहन आ गया है कि अपनी बहन को बुलाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहां? प्रिय बहन, जैसे भी ऊपर दिया गया है। अगर भाई दिया गया है तो भाई लिखोगे, अगर बहन दिया गया है तो बहन लिखोगे। आगे सप्रेम, नमस्ते, ये भी याद रखें। प्रिय भाई तक आपके ऊपर वाले नंबरों में जोड़े जाएंगे, उसके बाद जो है वो बीच वाले कंसर्न का माना जाएगा। तो सप्रेम नमस्ते, यहां कॉमा लगा के अगली लाइन में, और उसके बाद जो लिखना है वो उस अगली लाइन में। कहां से शुरू करेंगे हम? आप कैसे हैं?
सब क्या लिखते हैं? हम सब यहाँ कुशल ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कुशलता भगवान से भी शुभ हो। ये देखा, बोलने में गलती मतलब लिखने में गलती। हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं। नाउ टॉकिंग, कुशल मंगल मतलब ठीक ठाक हैं। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता शुभ चाहते हैं या भगवान से शुभ चाहते हैं। ठीक है जी, और आपकी कुशलता भगवान से शुभ चाहते हैं। ये पहली लाइन, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमेशा यही, जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं पहली लाइन यही रहती है, इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। सप्रेम नमस्ते, आप कैसे हैं? हम सब यहाँ कुशल हैं, कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता शुभ चाहते हैं, या आपकी कुशलता भगवान से शुभ चाहते हैं। कुछ भी लिख सकते हो, भगवान से या किसी के लिए भी शुभ इच्छा मांगना तो भगवान से ही मांगना होता है। तो आप अगर भगवान से नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा, आपकी कुशलता शुभ चाहते हैं। ठीक है जी, पहली लाइन सेम रहेगी, उसके बाद आप अपना मैटर लिखेंगे। यहां तक बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा करवाया गया है आपको वैसा ही लिखना है। उसके बाद शुभ चाहते हैं के बाद आप लिख सकते हैं मेरा जन्मदिन 9 फरवरी 2021 को है और अपने जन्मदिन पर मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर आए। ठीक, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं। वर्ड हमेशा कौन से चूज करने हैं? इजी वर्ड हमेशा इजी चूज करने हैं बेटा। क्या लिखेंगे? कल मेरा जन्मदिन है या 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, मैंने अपने जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि भाई आप भी आए। हाँ जी बोलिए। हाँ, आप दावत भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्टी अगर स्पेलिंग आपको गलत नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि इजी वर्ड अपने लिए चूज करें। दावत बड़ा इजी है, द को आ, व और त, ठीक है, उसमें गलती होने की चांस नहीं है। पार्टी में फिर आपको र की इधर उधर लगा दोगे। ठीक, तो इजी वर्ड जो है वो चूज करें अपने लिए ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। मैंने एक छोटी सी दावत रखी है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे जन्मदिन पर आए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? हम खूब मस्ती करेंगे, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। करूंगा के स्पेलिंग, इंतजार के स्पेलिंग इस तरह, इंतजार करूंगा। ठीक है जी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। लास्ट में क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था, हाँ, चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम या मामा मामी जी को मेरा प्रणाम। ठीक है, प्रणाम के स्पेलिंग, प्रणाम, नाम, प्रणाम, न दूसरा। ठीक है, प्रणाम या नमस्ते लिखो। अगर प्रणाम नहीं पता लगता, चाचा चाची जी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। ओके, यहां तक हम सबने लिख लिया।
अब सीधा नहीं लिख लेना है तुम्हारा भाई, एक जो आप छोड़ देते हो पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला लास्ट में हम लिख रहे हैं। तुम्हारा भाई डैश डैश नाम डैश डैश पता, कौन है ये बातें करता चला जा रहा है? नहीं बेटा कोई लाइन नहीं छोड़नी, मैंने यही आपसे बात कहा कि हमने लेफ्ट साइड पे सब कुछ लिखते जाना है, सब कुछ लिखने के बाद अब छोटे बच्चे नहीं हैं हम लोग तो लाइन कोई नहीं छोड़नी, ठीक है? इसी तरफ से सब कुछ लिखते जाना है, कंटेंट भी लिखेंगे, लास्ट में चाचा चाची को प्रणाम, कोई लाइन नहीं छोड़ने, और ये लिखना है पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश डैश नाम डैश डैश पता। पत्र में इतनी मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होती है। वेट बेटा, जयंत पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बेटा, करो अपने आप को अनम्यूट। मैम हमने जहाँ पे आपका भाई और डैश डैश नाम लिखा है वहां पे कॉमास और पता पता के आगे पूर्ण विराम डालना है? आप चाहो तो डाल सकते हो, हाँ ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कॉमास का लास्ट में, ठीक है? पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश डैश नाम और पता, पते के बाद पूर्ण विराम डाल दें। थैंक यू मैम। अब दूसरा लेटर आप अपने आप लिखेंगे, मेरी तरफ ब्लैक बोर्ड की तरफ कोई नहीं देखेगा। दूसरा लेटर है अपने भाई को अपनी बहन के जन्मदिन अपनी बहन के शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। हरी अप, हम सब ने ये किया है। दूसरा मैं लिखूंगी नहीं, मैं लास्ट में लिखूंगी, अपने चचेरे भाई को अपने भाई की शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र अपने चचेरे भाई को अपने भाई की शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। क्या लिखेंगे सबसे पहले लास्ट? सबसे पहले आ जा इधर, इधर आके तू ही लिखेगा, आओ इधर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखो चल बैठ जा बैठ जा। देखो क्या कहते हैं कि कितनी मर्जी बीन बजा लो जब तक आपका ध्यान क्लास में नहीं होगा क्या करोगे, गलत करोगे। ओ देखो कॉमा नहीं डाला, कहाँ है ध्यान, लिखी है पहले जो लिखाई है मैंने, तो फिर देखो जरा पलट के पेज क्या गलती करी है। र को बड़ी ई की मात्रा, तभी कहती हूं यहां पे ही गलती कर दी तो इट मींस कितने, अगर तीन नंबर का कंटेनर तो अब आ गए आपके ढाई नंबर। श के ऊपर लाइन नहीं लगानी है, ये भी श के ऊपर लाइन नहीं लगाते। परीक्षा भवन, उसके बाद हमने क्या लिखना है, आओ बेटा
बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। जालंधर शहर, इसके ऊपर बिंदु अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। जालंधर शहर, जालंधर नहीं लिखना है बेटा, ठीक है? परीक्षा भवन, जालंधर शहर। हाँ आ जा, क्या लिखेंगे इधर? वेरी गुड, लिखो। खुद बातें करने की बजाय लिखना शुरू करो, दोनों सीधा होके बैठो। और ये कैसे कैसे तरीका टेढ़े होके उसके बेंच के ऊपर चढ़ के बैठने का? ठीक है बेटा, वेरी गुड। दिनांक, दिनांक के ऊपर हमने क्या डालना है? बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं डालना है। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक। अब दिनांक अगर आपने ठीक लिखा है, 1 मार्क्स पूरे। ये दो चीजें यहां पूरी ठीक लिखी हैं, 2 मार्क्स पूरे, ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे प्रिय। प्रिय के स्पेलिंग, प के पैर में र और य। भाई, बेटे इस तरह सिखाने का मतलब है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें और लेटर में आपके नंबर पूरे आए। इस तरह अगर एक एक शब्द का बार बार आपको समझा रहे हैं तो दिमाग में रखिए, ठीक है? इसको भूल नहीं जाना है। याद रखें, लिखते वक्त भी याद रखें कि परीक्षा में र जो है हमेशा बड़ी ई होगी, उसके बाद जालंधर में आ की मात्रा आएगी और ऊपर बिंदु आएगा। इसी तरह दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखें ताकि आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आए, ठीक है? उसके बाद प्रिय भाई, आगे क्या लिखना है? सप्रेम, कैसे लिखते हैं? स प के पैर में र, ए की मात्रा और सप्रेम। नमस्ते, न म स आधा और त को ए की मात्रा, उसके बाद कॉमा। प्रिय भाई, सप्रेम, नमस्ते। अगली एक लाइन मैंने हमेशा बोला है कि सेम होगी, क्या होगी? आप सब कैसे हैं? हम सब यहाँ पर कुशल हैं, कुशल में श पूरा, और आपकी कुशलता, इसमें भी श पूरा, कुशलता भगवान से या आपकी कुशलता शुभ चाहते हैं। शुभ को ऊ की मात्रा जो है वो छोटी, शुभ ब नहीं लिखना है, भ भेड़ वाला लिखना है। कोई कोई लाइन नहीं छोड़नी। मैंने लेटर के शुरू में भी कहा कि हम कोई लाइन इसमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? सीधा सीधा इस तरह लिखते जाएंगे, कोई लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है? यहाँ पे प्रिय भाई, अगली लाइन में सप्रेम नमस्ते लिखेंगे, वो भी भाई का कॉमा जहाँ खत्म होगा वहां पे हम प्रेम नमस्ते लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कॉमा, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, अगली लाइन में लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आप सब कैसे हैं? हम सब यहाँ कुशल हैं और आपकी कुशलता भगवान से शुभ चाहते हैं। उसके बाद अब हम मैटर क्या है हमारे पास? शादी की, तो क्या लिखेंगे? आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भाई, उसका नाम भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, या बहन, गीता की शादी इतनी तारीख को तय हुई है, ठीक है? तो यो तह नहीं लिखना है, ये तय होता है फोल्ड करना, और ये तय है फिक्स करना, ठीक है? तय, तय हुई है। आपको निमंत्रण भेज रहा हूं, सभी रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप भी आएंगे या आओगे। प्रसन्नता, बिल्कुल इजी वर्ड चूज कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी आए। शादी में हम खूब मजे
करेंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। नीचे क्या लिखना है, लेटर को बाइंड अप कैसे करना है। पहले आप जिसको लिख रहे हैं उसके पेरेंट्स को भी तो कहेंगे ना कुछ ना कुछ, तो क्या लिखेंगे, मामा मामी या चाचा चाची जी को प्रणाम या नमस्ते। ठीक है, चाचा चाची जी को प्रणाम। लास्ट में हम क्या लिखता है, पत्र लिखने वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सपरिवार आए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सपरिवार आए। फिर क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाला लड़कियां लिखेंगी, पत्र लिखने वाली तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई डैश डैश नाम पता। दोनों लेटर्स इजी हैं, दोनों में कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप कंटेंट लिखते हैं तो याद रखें कि उसमें आपकी जो इजी शब्द हैं उसका चुनाव करें और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर कोई शब्द लिखते भी हैं तो एक बार बुक निकाल कर कहीं से वो टैली करें कि इसके स्पेलिंग यही है। ठीक है, दोनों में कोई, दोनों लेटर्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल है। कंटेंट के बाद भी लाइन नहीं छोड़नी बेटा, मैं यही बता रही हूँ। हाँ सीधा सीधा लिखेंगे और सब सबके हैंड लिखेंगे लेफ्ट हैंड, आपकी कोई भी चीज जो है वो राइट हैंड नहीं जानी चाहिए। हाँ जी जयंत, फिर से एक मिनट रुको, पूछो बेटा। मैम हम इसमें ये लाइन लिख सकते हैं, मैं इस पत्र के साथ आपको सभी प्रोग्रामों का ब्यौरा भेज रहा हूँ। हाँ बेटा आप लिख सकते हैं पत्र के साथ, अगर हम लिखते हैं कि मैं पत्र के साथ निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ तो वही बात हो जाती है ना बेटा, कि निमंत्रण पत्र क्या होता है, शादी का कार्ड होता है, तो शादी के कार्ड में सारे प्रोग्राम्स लिखे ही होते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ तो मैं निमंत्रण पत्र साथ में भेज रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि हम जो कार्ड है शादी का वो साथ में भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब कार्ड जा रहा है तो इट मींस कि सारे प्रोग्राम्स जो हैं उस पे मेंशनड हैं। और कुछ किसी को पूछना है लेटर में, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बेटा यही तो लिखना है, सबसे पहले शुरू यहां से ही करनी है कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहन या भाई उसका नाम लिखकर कि उसकी शादी जो है इतनी तारीख को तय हो गई है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो इसमें बेटा, क्लियर है? लास्ट में एंड हम कैसे करते हैं, पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश डैश नाम और डैश डैश पता, और पत्र में आप वो भी लिखेंगे चाचा चाची को प्रणाम, या अगर मेरे भाई को आया है तो मामा मामी जी को प्रणाम। ठीक है, दोनों लेटर्स क्लियर हैं? अब कॉपीज पे आपने की हुई है और मेरे ख्याल से सारा सिलेबस खत्म भी है, बहुत सारे बच्चों की कॉपीज जो हैं मिल गई हैं। बाकी भी कोशिश करें कि जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके अपना हिंदी का पीडीएफ बनाकर मुझे भेजें। ठीक है।